वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। आज का वीडियो होने वाला है अनदर स्किन केयर वीडियो। आई नो आप सबको स्किन केयर वीडियोज देखना बहुत पसंद है, सो हियर आई एम विद एन अनदर स्किन केयर वीडियो। आज हम एक ऐसे इंग्रेडिएंट की बात करेंगे जो हमारे किचन में बहुत ही इजिली अवेलेबल है, बट हमने इसे बहुत अंडरएस्टिमेट किया है, चाहे बात हो खाने में या स्किन में लगाने में। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, बट हमने इसे हमेशा इग्नोर किया है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी कॉमन बट वेरी इफेक्टिव इंग्रेडिएंट, राइस। यस गाइस, राइस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट मैं सबसे पहले बता दूंगी, अगर आपने किसी भी कोरियन ब्लॉगर को फॉलो किया हो या आपने कभी भी कोई कोरियन स्किन केयर ब्लॉग पढ़े हो या कोई भी कोरियन स्किन केयर आर्टिकल्स पढ़े हो, तो उस पर आपको राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिलेगा जिसे कोरियन गर्ल्स अपने स्किन केयर में यूज करती आई हैं फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। और अभी भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं कोरिया में, लाइक द वेरी फेमस इन इंडिया द फेस शॉप। हम सब जानते हैं फेस शॉप के प्रोडक्ट्स कितने बेहतरीन होते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ राइस के ऊपर बने हुए हैं। सो राइस की बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, आज हम सब पे बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइस इज वेरी रिच इन विटामिन ई। एज यू ऑल नो, विटामिन ई स्किन के रिंकल्स को, स्किन के डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट पे वर्क करता है। सो ये एजिंग को डिले करता है। इसमें पाया जाता है कोलेजन। कोलेजन आपको पता है कि स्किन के इलास्टिसिटी में वर्क करता है, स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्किन को टाइट रखता है, जिससे कि आपकी एजिंग डिले होती है और आप हमेशा यूथफुल रहते हैं। इसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वन इज पेपेटाइट। पेपेटाइट हेल्प करता है स्किन फेयरनेस में। फेयरनेस का मतलब है जो भी आपका स्किन शेड है, जो भी आपका स्किन टोन है, जो कि अब थोड़ा डल हो चुका है, थोड़ा फेड हो चुका है बिकॉज ऑफ सन रेज, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, वो उसको वापस लाने में हेल्प करता है। और राइस में पाया जाता है सेरेमाइट। सेरेमाइट हेल्प करता है स्किन के ग्लो में, आपके स्किन पे वो ग्लास स्किन ग्लो लाने में सेरेमाइट हेल्प करता है। ऑल्सो राइस में पाए जाते हैं कई सारे मिनरल्स और कई सारे फैट्स जो कि हेल्प करते हैं स्किन को ब्राइटन अप करने में, स्किन को लाइटन अप करने में और स्किन को सिल्की स्मूथ एंड ग्लोइंग बनाने में। सो गाइस, आपने देखा राइस में कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन B1, B2, विटामिन ई। राइस में ये सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। सो जस्ट थिंक कि आप जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज आप एक साथ अपने स्किन को देते हैं, तो कैसे आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं बनेगी, कैसे आपकी स्किन यूथफुल नहीं रहेगी। आज मैं बात करने वाली हूँ दो DIYs की जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ। मैंने अपने स्किन केयर में राइस को इंक्लूड कर लिया था काफी टाइम पहले से और मुझे इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले। देखते हैं कि कैसे हमें इन दोनों चीजों को प्रिपेयर करना है और इसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टोनर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए राइस। राइस को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करिए, आप इसे फिल्टर्ड वाटर से ट्राई करिए, आप इसे नॉर्मल रनिंग वाटर से मत वॉश करिए। और वॉश करने के बाद आप इसे ऐसे एक बोल में निकाल लें। आपको इस वॉश्ड राइस में ऐड करना है वाटर, जैसे कि आपने इसमें इतना वाटर ऐड कर दिया। सीरम, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टोनर बनाना है तो आपके लिए इतना राइस सफिशिएंट है। और अगर आपको इसमें से कुछ और बनाना है, लाइक आपको इसमें से सीरम, टोनर और हेयर पैक तीनों चीज़ें बनानी है, तो आपको ज़्यादा राइस देने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक बोल में राइस लेके इसे 15 मिनट्स के लिए इसे भिगो के रख दिया था, इसलिए क्योंकि मुझे इसमें से सीरम, टोनर और हेयर पैक तीनों चीज़ें बनानी है। अब हम इसे एक दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। करना है हमें इसे एक कंटेनर में जो सोक्ड राइस है उसे शिफ्ट कर लेना है। हमें राइस डालने के साथ साथ जो राइस वाटर था जो हमने सोक किया होता है जिसमें, उसे भी हमें इसमें पूरा डाल देना है। तो देखिए, मैंने वही राइस यूज़ किया है और वही राइस वाटर यूज़ किया है जो जिसमें मैंने सोक किया था। गर्ल्स, अब हम इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे। एक बात का आप ध्यान रखें कि हमने इसमें जो वाटर यूज़ करना है वो वाटर होना चाहिए बॉइल्ड वाटर। फिल्टर्ड वाटर से हमें इसे वॉश करना है, लेकिन हमें जो वाटर इसमें डालना है राइस में वो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए। तो जो मैंने 15 मिनट्स में वाटर सोक किया था 15 मिनट्स पहले, उसमें भी मैंने बॉइल्ड वाटर डाला था। इन्हें को हमें ओवरनाइट छोड़ना है और मॉर्निंग में हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसे आप ऐसे ही ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए और अब हम इसे सुबह ओपन करेंगे। आप देखेंगे कि राइस वाटर कुछ ऐसा हो चुका है। इसमें से एक, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें से एक हल्की सी एसिडिक स्मेल भी आएगी। राइस भी फूल चुके हैं पूरे।
और बहुत ज़्यादा नहीं बट एक लाइट एसिडिक स्मेल आएगी, इसका मतलब कि चावल की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें वाटर में आ चुकी हैं। चावल का भी यूज़ करना है और हमें वाटर का भी यूज़ करना है। टोनर बनाने के लिए सबसे चाहिए आपको एक स्प्रे बॉटल, आप कोई भी स्प्रे बॉटल यूज़ करें बट वो क्लीन होना चाहिए। आपको चाहिए एक छोटा सा एक रोज़ वाटर, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने डाबर गुलाबरी का यूज़ किया है। और आपको चाहिए ग्लिसरीन और एक आपको चाहिए विटामिन ई की कैप्सूल। सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्प्रे बॉटल में अपना राइस वाटर डाल देंगे। करीब इतनी क्वांटिटी का इसमें राइस वाटर ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन, में डालेंगे एक विटामिन ई की कैप्सूल। अब हम इस स्प्रे बॉटल को बंद कर देंगे। तो गाइस अभी हमारा टोनर रेडी हो चुका है, बहुत ही लाइट है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने इतनी क्वांटिटी यूज़ किया है और ये मेरा चल जाएगा आराम से 15 to 20 days। तो आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी देख लें और उसी हिसाब से टोनर बनाएं। तो अब हमने टोनर बना लिया है, अब हम आएंगे सीरम पे। तो हमें चाहिए ग्लिसरीन, एक कोई भी एसेंशियल ऑयल, मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ हिप एसेंशियल ऑयल, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ग्लास कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बेबी ड्रॉप का मेरे पास कंटेनर था, मैंने उसे यूज़ कर लिया, बट मेक श्योर कि वो क्लीन होने चाहिए। सो हमें बस ये तीन इन्ग्रीडियंट्स चाहिए और हम बनाते हैं अपना सीरम। गाइस अब हमने कंटेनर ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा राइस वाटर निकालेंगे। आपको जितना सीरम बनाना है आप उस हिसाब से राइस वाटर लें, मैंने इतना लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा ग्लिसरीन, तो हमें थोड़ा सा ग्लिसरीन, हमें थोड़ा ग्लिसरीन ज़्यादा पड़ेगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें रोज़ हिप ऑयल। अराउंड इतना 4 drops मैंने रोज़ हिप ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये भी बहुत ही लाइट बनेगा। अगर आपको इसको, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा ग्लिसरीन ज़्यादा कर दें। अब हम इसे इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सीरम अपना स्टोर कर लिया है और इसमें मेरा टोनर है। सीरम आपका चल जाएगा फ्रिज में स्टोर करने के बाद अराउंड 15 to 20 days आराम से चल जाएगा। इसकी तो 2-3 drops ही लगती हैं पूरे फेस पे और इसको आपको अच्छे से स्प्रे करना है। देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है, तो लेट्स गो बैक इनटू द वीडियो। आपने देखा हमने कैसे फेस टोनर और कैसे फेस सीरम बनाया है। फेस टोनर में हमने यूज किया है रोज वाटर, राइस वाटर और ग्लिसरीन। मैंने इसको बनाने के बाद 10 मिनट तक फ्रिज में स्टोर कर दिया था जिससे कि ये चिल्ड हो गया है। और अब मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। फेस टोनर की कंसिस्टेंसी थोड़ी लाइट होनी चाहिए इसलिए हमने इसे ऐसे प्रिपेयर किया था। अब बात करते हैं फेस सीरम की। अब बात करते हैं राइस सीरम की। राइस सीरम में हमने यूज़ किया है राइस वाटर, एसेंशियल ऑयल और ग्लिसरीन। एसेंशियल ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ करें, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ करें, आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन टी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसमें थोड़ा एलमंड ऑयल डाल सकते हैं, बट आप ट्राई करिए कि आप इसमें एसेंशियल ऑयल ही यूज़ करें। गाइस अब हम देखते हैं कि हमें सीरम कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपके फेस पे थोड़ा भी मेकअप ना लगा हुआ हो, आपकी स्किन प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि मैंने कोई भी मेकअप नहीं यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाया हुआ है मैंने इस समय। ये देखिए मैंने कोई भी मेकअप नहीं यूज़ किया हुआ है। अब हम यूज़ करेंगे सीरम।
सीरम इस बॉटल में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करना। आप चाहें तो किसी भी कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं, बट ड्रॉपर से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करना। मैंने लिए हैं फ्यू ड्रॉप्स, लाइक मैंने लिया है 4 to 5 ड्रॉप्स, और इसको अपने स्किन में पैक कर लेना है। आप इन दोनों चीजों को स्टोर करिएगा फ्रिज में, अदरवाइज इससे स्मेल आने लग जाएगी और ये खराब हो जाएगा। आपने देखा कैसे हम राइस वाटर को यूज कर सकते हैं एज अ फेस टोनर एंड एज अ फेस सेरम। आप इसे रेगुलर यूज करिएगा फॉर एटलीस्ट 1 month टू सी द बेटर रिजल्ट। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो। आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल रहे, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।